हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पढ़ाई के बारे में। बहुत सारे अभिभावकों को, बहुत सारे पेरेंट्सों को, माता पिता को यह चिंता होती है कि उनके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। उनका बच्चा किताबें लेकर तो बैठा रहता है दो दो तो तीन तीन घंटे, पाँच पाँच घंटे, लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं निकल पा रहा होता है। ऐसा क्या होता है कि उसका आउटपुट क्यों नहीं निकल पा रहा, बच्चे का ध्यान क्यों नहीं लग पा रहा है? तो इसमें सबसे पहले आप क्या करें, हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे वास्तु टिप्स बताएंगे जिससे कि आपका बच्चे का ध्यान उस पढ़ाई के अंदर बहुत अधिक लगेगा और वह अपने आप ही अपना रास्ता चूज़ करेगा कि उसे IAS बनना है, सरकारी नौकरी करनी है, या प्राइवेट BEd करनी है, या फिर MBA करनी है, या डॉक्टर या लॉ, उसे करना क्या है, वह अपना रास्ता खुद चुनेगा। तो पहला उपाय आप क्या करें, हमेशा अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो जब भी वह शाम को दूध पिए तो उसके दूध में हल्दी एक चुटी हल्दी डाल दें उसके दूध में, ताकि उस हल्दी से आपके बच्चे का पढ़ाई का मन करने का तरीका बदल जाएगा और आपके बच्चे का पढ़ाई करने में मन बहुत अधिक लगा करेगा। सिर्फ थोड़ी सी हल्दी डाल दें। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, बृहस्पतिवार को दोस्तों केले के पेड़ के साथ में जाकर घी का दिया जलाना अवश्य शुरू कर दें। हर बृहस्पतिवार को सिर्फ आपको करना क्या है कि केले के पेड़ के पास जाना है, मंदिर वगैरह में आपने देखा होगा या आपके घर में या पार्क में होगा तो वहाँ पे अवश्य ही केले का पेड़ मिलेगा। वहाँ उसके पास जाके घी का दीपक जलाएं और बृहस्पति देवता से यह प्रार्थना करें कि आप हमें विद्या दीजिए और ज्ञान का भंडार हमें दीजिए, क्योंकि बृहस्पति को सभी देवताओं का गुरु माना जाता है, उससे बड़ा गुरु कोई हो ही नहीं सकता। तीसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने बच्चों को कभी भी रात को पढ़ने के लिए ना बोलें कि शाम के समय 7 बजे बैठे बंदा और 12 बजे तक पढ़ रहा है। यह कभी भी शाम के समय पढ़ने का अच्छा तरीका नहीं होता। शाम को इंसान पूरे दिन काम करने के बाद चिड़चिड़ा हो जाता है, थक जाता है और उसका दृष्टिकोण पढ़ाई के प्रति शून्य हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि शाम को जल्दी खाना वाना खा के शाम को हल्का फुल्का रिवाइज कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा कम ही काम करें और सुबह जल्दी उठें। सुबह आप 3 बजे भी उठ सकते हैं, 4 बजे भी उठ सकते हैं। उसके बाद सुबह 3 घंटे किया हुआ काम शाम के 6 घंटे के और 7 घंटे के बराबर होता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठकर काम करें। आपकी जो किताबें रखी होती है पढ़ने की, कोशिश कीजिए कि वह उत्तर की दिशा की तरफ हो, उत्तर या पूर्व दिशा। यह कॉर्नर सबसे उत्तम माना जाता है किताबों के लिए। और हाँ, अपनी जो बुकों की अलमारी है, अपनी किताबों की जो अलमारी, उसमें गणेश जी की तस्वीर अवश्य रखें और नित्य उस सुबह उठकर जब भी आप पढ़ना प्रारंभ करें सबसे पहले उनकी प्रार्थना करें, उनका पूजा पाठ करना कभी ना भूलें। अगला उपाय आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप किसी प्रशासनिक सेवा या किसी रेलवे या कोई सरकारी सेवा करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कौन सा दिशा सबसे अच्छी रहेगी, वह रहेगी पूर्व दिशा। आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी पूर्व दिशा में आपका टेबल होना चाहिए, आपका पढ़ाई करने का कक्ष होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा सरकार और उच्च पदों का कारक मानी जाती है और इसके लिए सूर्य को सबसे बेहतर दिशा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य की देव की दिशा मानी जाती है और सूर्य ही आपके सितारों को चमका सकता है। दूसरा उपाय, जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप लिटरेचर करना चाहते हैं, पत्रकारिता करना चाहते हैं, MCA है, BCA है, इस तरह की शिक्षा आप अगर ग्रहण करना चाहते हैं तो इसके लिए दक्षिण दिशा को सबसे बेहतर माना जाता है। अपने पास जो मेज है आपके पढ़ने वाली, उसका आग्रह को उसका सामना दक्षिण तरफ से करना चाहिए, क्योंकि मंगल को दक्षिण दिशा का स्वामी माना जाता है। और इनकी के लिए जैसे कि आप बता रहे पत्रकारिता है, डॉक्टर है, BTech है, MCA है, ये सभी एक समान तरह की एजुकेशन होती है और जिनका स्वामी मंगल ग्रह को माना जाता है। अगर मान लीजिए आप ज़्यादा कैलकुलेशन करना पसंद करते हैं, जैसे मान लीजिए आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, बैंक वगैरह में तैयारी करनी है, तो इसके लिए आपको उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। आपका जो अध्ययन कक्ष है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और क्योंकि उत्तर दिशा हमेशा कैलकुलेशन को लेकर अच्छी मानी जाती है और बुध इसका स्वामी होता है, इसीलिए बुध के दिन आप अच्छा माने और संकेत यही रहेगा कि जो कैलकुलेशन वगैरह होती है वो उत्तर दिशा वालों के लिए सही होती है। तो अपना पढ़ाई का करने का कक्ष उत्तर दिशा की तरफ रखिए। और एक उपाय कर सकते हैं आप, अपने पढ़ाई का करने का कक्ष होता है उसमें कभी भी
ज़्यादा गहरे कलर ना करें, हल्के कलरों का प्रयोग करना चाहिए। आसमानी हल्का, हल्का हरा, गुलाबी, हल्का पीला, इस तरह के कलर करें। और क्या चेंज आप कर सकते हैं उसके अंदर, अपनी टेबल को कभी भी दीवार से सटा के ना रखें। आपके सामने टेबल है, टेबल के सामने आपको खुला नज़र आना चाहिए, दीवार आपके ऊर्जा को रोक लेते हैं। इसीलिए अपने टेबल के सामने कभी भी मतलब अपनी टेबल को ऐसे ना रखें कि सामने दीवार हो और आपका रास्ता बन जाए, सकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं आ पाती। इसलिए अपनी टेबल को हमेशा दीवार से दूर रखिए। और आखिरी उपाय आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने पढ़ाई की टेबल को अगर आपको ज्ञान आप कुछ भी ऐसा नहीं कर पाते, चेंज नहीं कर पाते, तो सबसे अच्छा है आप अपनी टेबल को उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ रखें, ताकि उगते हुए सूरज की रोशनी आपकी तरफ आ सके और आपको उससे एक सकारात्मक ऊर्जा मिलते हुए एक अच्छी डायरेक्शन आपको मिल सके। यह सबसे अच्छा तरीका होता है और सबसे उत्तम माना जाता है कि सुबह की रोशनी आपके ऊपर, आपकी टेबल के ऊपर आ रही है और तो और आप उस वक्त स्टडी कर रहे हैं, अपनी किताबों के साथ संलग्न हैं। और भी ऐसी ही वास्तु टिप्स जानने के लिए, और भी ऐसे ही अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका कोई सवाल है या कमेंट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।